चलो टोनी को अपने सारे सूट दे देते हैं। टोनी के पास बहुत सिक्योरिटी है, वो हमारे सूट संभाल के रखेगा और मैं शांति से घूम के आ सकूंगा क्योंकि मुझे दूसरे डायमेंशन में जाना है। अरे टोनी टोनी, अरे यार क्या हो गया वैनम, मेरे घर पे कैसे आना हुआ? अरे टोनी मेरा एक काम कर दे, मेरे सूट्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि तू अपने पास रख ले क्योंकि मेरे को जाना है दूसरे डायमेंशन में और बहुत से लोगों ने चुराना चाहते हैं। अरे यार टेंशन क्यों लेता है वैनम, मेरे पास तो बहुत हाई सिक्योरिटी है, मेरा जावेस की सिक्योरिटी बहुत खतरनाक है, मैं तेरे सूट रख लूंगा। हाँ तो टोनी आ जा, मैं तुझे अपने सूट दिखाता हूँ, बहुत रेयरेस्ट वैनम के सूट हैं। वो वैसे तो साइज में छोटे रहते हैं लेकिन उन्हें उनके केस से बाहर मत निकालना, अगर तू निकाल के रख देगा तो वो तबाही भी मचा सकते हैं। अरे यार ऐसे कैसे सूट हैं? अबे वो वैनम ही है एक हिसाब से, लेकिन मैं उन्हें अपने ऊपर ले सकता हूँ, मैं चला तू संभाल के रखना। अरे बिल्कुल रखूंगा यार। चलो कम से कम मैं फ्री हुआ। अरे यार ये वैनम तीन तीन सूट दे गया, लेकिन ये तो छुटके से बच्चों के सूट लग रहे हैं, ये कैसे घातक हो सकते हैं? मुझे क्या, मैंने तो अपने पास रख लिए, जावेस इनकी सिक्योरिटी देख लेना बस तू, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को आ रही है बहुत तेज नींद और ये सूट भी एकदम बवाल लग रहे हैं, वो ग्रूट वाला तो कितना मस्त लग रहा है, मैं तो चला सोने, मेरे को तो बहुत जोर नींद आई है, अब जो होगा देखा जाएगा बाद में। जावेस तो है हमारा सिक्योरिटी करने के लिए, उससे अच्छी सिक्योरिटी कोई कर ही नहीं सकता। मुझे तो तुम लोग जानते ही हो, इस पृथ्वी का कर्ता धर्ता थेनोस। मैंने सुना है वेनम अपने सूट यहाँ रख के गया है, उसके सूट मुझे चाहिए क्योंकि मैं उनसे तबाही मचाना चाहता हूँ और पूरी दुनिया को ख़त्म करना चाहता हूँ, उसके बाद सब पे राज करूँगा। तीनों सूट तो यहीं रखे हैं वेनम के। कौन कौन से सूट हैं? एक वेनम पूल का है, एक वेनम गॉड का है और एक वेनम ग्रूट का है। अब वेनम तेरा क्या होगा? तेरे तीनों सूट। अरे यार जल्दी चलना होगा, पता नहीं कैसी अजीब सी हंसी की आवाज़ आ रही थी, वैसे मैं यह हंसी तो पहचानता हूँ लेकिन तीनों सूट कहाँ गए? यह हंसी तो थानोस की थी पक्के में, थानोस ने तीनों सूट चुरा लिए। यार अगर थानोस ने सही में सूट चुरा लिए होंगे तो क्या प्लान होगा उसका? तबाह कर देगा क्या? सारे गेट तो खोले डले हैं, सही में थानोस चुरा ले गया, अब क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब पूरे लॉस एंजेलिस में खतरा फैल चुका है क्योंकि वैनम के सूट तो खुद में खतरा है यार, वो तो कितने भयंकर हैं, क्या करूँ मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो बताओ, कुछ तो करो, कुछ तो समझाओ। अरे फ्रैंकलिन भैया आज हम कहाँ जा रहे हैं? अबे सिंचन जा तो रहे हैं ना कहीं शांति से बैठे रहो तुम लोग, तुम लोगों को हर चीज में सवाल जवाब क्यों करना होता है? अरे फ्रैंकलिन भैया सिर्फ पूछा ही तो था, इतने अग्रेसिव क्यों हो रहे हो? अबे यार मैं अग्रेसिव नहीं हो रहा, मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर कुछ नहीं बढ़ रहा ना, वीडियोस पे लाइक आते, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। आओ फ्रैंकलिन भैया टेंशन क्यों लेते हो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, धीरे धीरे तो बहुत आगे पहुँचेंगे, अभी अपन सब बोलेंगे तो ये लोग सब्सक्राइब कर देंगे। अरे हाँ हाँ चुप, तू ही बोल दे, शायद कर दे, मेरे कहने से तो कोई नहीं करता। अरे गाइस तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, हमारे फ्रैंकलिन भैया तो बहुत ज़्यादा गुस्से में है आज। अरे हाँ हाँ गाइस फटाफट से कर दो यार, तुम लोगों का छुटकू सिंचन बोल रहा है। अबे सिंचन ये देख मैं ये वाली गाड़ी खरीदने आया हूँ, वहाँ पे क्या बोलता है, ये गाड़ी खरीद लें क्या? अरे फ्रैंकलिन भैया अपने पास इतनी ओजी लैंड क्रूजर है, ये नूबड़ी सी गाड़ी का क्या करेंगे? अबे यार सिंचन मैं तो सोच रहा था ऐसी खरीद लूँ, कुछ ना कुछ तो काम आएगी। अच्छा सिंचन रुक जा, मुझे किसी की कॉल आ रही है, देखने दे। अरे फ्रैंकलिन कहाँ आ रहा तू? अरे टोनी भैया क्यों कॉल कर रहे हो, क्या काम आ गया? अरे फ्रैंकलिन जल्दी मेरा घर पे आ जा यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अरे ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो गई जो इतने परेशान लग रहे हो? अरे फ्रैंकलिन ये समझ कि लॉस एंजेलिस खत्म हो सकता है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, आप जल्दी आ जा। अरे यार टोनी भैया तो अवेंजर तुम हो कि मैं तुम्हारे लॉस एंजेलिस में हमेशा क्यों बचाऊं? अरे फ्रैंकलिन तू गलत बोल रहा है, लॉस एंजेलिस तेरा है, मैं तो तेरी मदद कर रहा हूँ ऊपर से। अच्छा ठीक है आ गया। अरे फ्रैंकलिन भैया क्या बोले टोनी भैया? अबे सिंचन गाड़ी में तो बैठ तू चुपचाप से। अरे फ्रैंकलिन भैया एक बात बताऊँ, ये लैंड क्रूजर कुछ ज्यादा ही हैवी नहीं फील कर रही है? अबे सिंचन ये बात तो तूने सही बोली, लेकिन टोनी ये कह रहा था कि भाई लॉस एंजेलिस में पता नहीं कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, इतना बड़ा कि लॉस एंजेलिस खत्म हो सकता है। अरे फ्रैंकलिन भैया तो गाड़ी जल्दी भगाओ ना, सिनेमैटिक क्यों ले रहे हो? अबे सिंचन उसके सिनेमैटिक इतने प्यारे लग रहे हैं तो मैं क्या करूँ, मैंने सोचा थोड़ी से तो ले लूँ। अरे हाँ हाँ वहाँ पे लॉस एंजेलिस खत्म हो जाएगा और यहाँ फ्रैंकलिन नूबड़े के सिनेमैटिक्स खत्म नहीं हो पाएंगे।
आओ सही बोला बॉब, तूने फ्रैंकलिन नूबड़े के सिनेमैटिक्स खत्म होने के नाम नहीं ले रहा, वहाँ लॉस एंजेलिस खतरे में है। अरे ठीक है तुम लोग शांत रहो ना, गाड़ी तो चल ही रही है ना सिनेमैटिक्स के साथ साथ। अरे फ्रैंकलिन भैया वो तो ठीक है लेकिन जल्दी चल लो, लॉस एंजेलिस सही में खत्म ना हो जाए। अबे यार इतनी जल्दी लॉस एंजेलिस कभी खत्म नहीं होता, हमेशा बचा लेता हूँ ना, इस बार बचा ही लूंगा। आओ फ्रैंकलिन भैया अपने ऊपर कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हें। अबे कोई कॉन्फिडेंस वॉन्फिडेंस नहीं है, मैं बस ऐसा बोल रहा हूँ कि बचा लूंगा इस बार भी। अरे फ्रैंकलिन भैया वो तुम बचा ही लेंगे, जल्दी भगाओ। अबे सिंचन भगा तो रहा हूँ, सितेश कैसे भगा दूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया ये ट्रक कितना ओपी लग रहा है। अबे सिंचन ये तो वैनम का ट्रक है। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया मुझे अब याद आया कि वैनम का ट्रक है। अबे सिंचन टोनी ने भी अपनी कॉपी करके गाड़ियाँ खरीद ली अपने जैसी। अरे फ्रैंकलिन भैया कोई बात नहीं, जाके टोनी से बात करो, देखो वो खड़ा है। अबे टोनी क्या हो गया? अरे फ्रैंकलिन यार कितना टाइम लगा दिया तूने आने में यार, जल्दी आ। अरे वो सब तो ठीक है लेकिन ये कैप्सूल जैसी चीज़ें क्यों रखे हो, इसमें क्या रखे थे, ये खाली क्यों रखे हो? अरे फ्रैंकलिन यही बताने के लिए तुझे बुलाया है कि इसमें वैनम के सूट थे और वो तीनों चोरी कर ले गया थानोस। अबे तो टोनी भैया फिर तुम्हारा ये जावेस किस काम का है, कैसी सिक्योरिटी है? अरे यार फ्रैंकलिन वो मुझे याद नहीं रहा, वो पिछली बार जब खराब हुआ था ना जावेस तब से खराब ही डला, अभी तक सही नहीं किया, प्लीज़ यार तू बचा ले लॉस एंजेलिस। अरे ठीक है जा रहा हूँ लॉस एंजेलिस बचाने के चक्कर में जा रहा हूँ, तुम्हारे चक्कर में नहीं जा रहा। अरे हाँ फ्रैंकलिन चला जा, मैं तेरे GPS पे उसकी लोकेशन सेट कर देता हूँ कहाँ पे कौन सा सूट है। अरे हाँ टोनी भैया कर दो। अरे फ्रैंकलिन भैया रुको मुझे भी बैठने दो। अबे सिंचन आके बैठ जाना, रुकाता हूँ तेरे चक्कर में। आओ फ्रैंकलिन भैया लेकिन हम लॉस एंजेलिस बचाएंगे कैसे? अबे यार चल रहे ना सूट लेने, उसके सूट ढूंढेंगे, वही अपने ऊपर मैं पहन लूंगा वैनम को, और फिर जो भी एनिमी होगी उसको हरा दूंगा। अरे फ्रैंकलिन भैया लेकिन वैनम तो खतरनाक होता है, उसको कंट्रोल कैसे करूँगी? अबे सिंचन मुझे पता है, मैंने अपना मेडिटेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी है मेडिटेशन कर करके। अरे फ्रैंकलिन भैया मेडिटेशन पावर तो मेडिटेशन करके करती है, कहाँ जाना ये बताओ। अबे सिंचन मैप में तो लोकेशन वहाँ की दिखा रहा है, ऊपर की कहीं की वहीं चलना होगा। अरे फ्रैंकलिन भैया गाड़ी क्यों पलटा दी चलने के चक्कर में? अबे सिंचन लैंड क्रूजर इतनी बहुत तो उसको लगती रहती है, मजबूत गाड़ी है। आओ फ्रैंकलिन भैया लेकिन हम भी ऊपर छत पर बैठे हैं, हमें भी लगती है, हम भी कुत्ते हैं। अरे हाँ ठीक है गुस्सा मत हो, चल रहे हैं ना। अरे हाँ चौप तू भूल गया क्या, अपना फ्रैंकलिन नूबड़ा है, उसकी गाड़ी ज़्यादा तेज नहीं चलती। अबे यार बॉब ऐसा कुछ नहीं है, मेरी गाड़ी बहुत तेज चलती है, मैं बस अपनी गाड़ी तोड़ना नहीं चाहता इसलिए धीमे चला रहा हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया कैसी बात बोल रहे हो, कुछ तो सोच के बोला करो, एटलीस्ट अभी तुमने गाड़ी पलटा के तोड़ी है। अबे सिंचन वो तो गलती से हुआ ना ऐसा, मैं थोड़ी जानबूझ के तोड़ने वाला था। अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे यहाँ से सूट दिख रहा है वैनम का। अबे मुझे भी दिख गया, ये तो वैनम पूल का सूट है, ये तो बहुत सस्ता सूट है भाई, अभी हाल उठा के आता हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया देख के कोई एनिमी ना हो ना कोई ट्रैप हो। अबे कोई ट्रैप व्रैप नहीं है, मेरे को सूट मिल गया, फटाफट से चलते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया लेकिन पिछली बार की तरह ना हो जाए, आपने गाड़ी चलाई थी और वो आके थानोस ने हम सबका गेम बजा दिया था, वो तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने बचाया था, नहीं तो हम तो मर जाते। अबे ठीक है पहले बाहर उतर के मैं एनिमी देख के आता हूँ कहाँ पे, उसको हरा के आता हूँ, फिर चलेंगे अपन, तू यहीं पे रुक। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया मैं रुकाऊँ? हाँ मैं आता हूँ एनिमी ढूंढ के। अरे एनिमी निकल आओ बाहर जल्दी एनिमी। अरे फ्रैंकलिन भैया अब तो उसे खिलौने की तरह बुला रही हो। सिंचन तू बुलाने की बात कर रहा है, उसने आके पेलना भी स्टार्ट कर दिया, बात बात तो कुछ की नहीं, रुक जा मैं अभी बताता हूँ उसे। अरे फ्रैंकलिन भैया दम से मारी उसको नूबड़े को। अबे सिंचन वो तो मैं मार दूं लेकिन उसके पास इनविजिबल होने की पावर है, वो तो दूर से दिख ही नहीं रहा। अरे फ्रैंकलिन भैया वो तो आपके पास भी है ना, यूज करूँ ना? अबे सिंचन लेकिन मेरी यूज ही नहीं हो रही, उसको मैं दिख जा रहा हूँ लेकिन मैं उसको नहीं देख पा रहा। अरे फ्रैंकलिन भैया इसका मतलब तुम नूबड़े हो? अरे हाँ सही बोला सिंचन तूने, आगे हमारा फ्रैंकलिन नूबड़ा है। अबे यार तुम लोग मुझे नूब मत बोलो, देखो अभी हराता हूँ उसको, 2 सेकंड में टाइम तो दो मुझे, 2 सेकंड का। अरे फ्रैंकलिन भैया गेम बजा दो, यही एनिमी। अबे हाँ सिंचन दिख गई, रुक जा बताता हूँ उसे, तो बाहर फेंक दूंगा। अरे फ्रैंकलिन भैया गेम बजा दो, ढंग से मारो। अबे सिंचन मार तो रहा हूँ, अबे यार ये तो दूर ही जाता जा रहा है, ऐसे क्यों मैं इसके पास क्यों नहीं जा पा रहा? अरे फ्रैंकलिन भैया वो फटने वाला है, दूर जाओ। अबे सिंचन इतनी लेट क्यों बताया, मैं तो फेंक गया। अरे फ्रैंकलिन भैया कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं हुआ, आप ज़्यादा दूर थे ना उससे, उसके फटने से आप पे असर नहीं पड़ा। अबे सिंचन तूने सही बोला, बच गया मैं, तुम लोगों को तो कुछ नहीं हुआ ना? अरे फ्रैंकलिन भैया हमें कैसे कुछ होगा, हम लोग तो और ज़्यादा दूर थे आपसे भी, चलो फटाफट से चलते हैं। अबे हाँ तो चलते हैं ना, टेंशन को ले रहा है। आओ फ्रैंकलिन भैया वैसे ये एनिमी थी कौन? अबे यार इसकी हरकतें तो प्रेडेटर जैसी थी लेकिन शक्ल तो उसके जैसी बिल्कुल नहीं थी। अरे मुझे लग रहा है फ्रैंकलिन भैया अब वो दूसरा रूप धारण करके आया था। अबे ठीक है मुझे मैप पे लोकेशन देखने दो, लास्ट वाली कहाँ है?
अरे फ्रैंकलिन भैया ये सेकंड वाली है। अबे हाँ सिंचन यहीं चलते हैं फटाफट से। अरे फ्रैंकलिन भैया गाड़ी कितनी ओजी लग रही है। अबे वो गाड़ी ओजी है तो लगेगी भी ना ओजी, टेंशन क्यों ले रहा है, फटाफट से आ गए लोकेशन पे। अरे फ्रैंकलिन भैया यहाँ पे कहाँ पे है लोकेशन। अबे यहाँ पे एक टंकी के ऊपर है, वहीं पे रखा हुआ है सूट, ऐसे ही बता रहा था लोकेशन वाला मैप तो। अरे फ्रैंकलिन भैया टंकियाँ तो बहुत सारी बनी है। अबे सिंचन ये वाली टंकी नहीं, वो बड़ी वाली ऊंची वाली टंकी दिख रही थी ना पीछे से उसी पे। आओ फ्रैंकलिन भाई उस टंकी पर चढ़ोगे कैसे। अबे कॉमन सेंस जॉब, सीढ़ी लगी हुई है टंकी पर, सीढ़ी से चढ़ूंगा और मैं बद्दुआ लगाऊंगा कि ये सीढ़ी से गिर जाए। अबे यार तेरी काली जबान कभी काम करी है बॉब, जो आज करेगी। अरे हाँ देख लेना आज जरूर काम करेगी। अरे फ्रैंकलिन भैया नहीं काम करेगी, इसकी टेंशन मत लो, आप पर बहुत ज्यादा पावर है, जल्दी कर लो। अबे सिंचन कर तो रहा हूँ फटाफट से, पहुँच तो गया, बस स्टॉप पे जाना है और सूट मुझे मिल जाएगा। अरे फ्रैंकलिन भैया कुछ दिखा क्या। अबे सिंचन यहाँ पे ग्रूट वैनम का सूट दिखा और तो कुछ नहीं दिखा। अरे फ्रैंकलिन भैया तो फटाफट से पहनू ना। अबे सिंचन पहन लिया फटाफट से, इसकी पावर भी इनबिल कर लेता हूँ, रुक जा जरा एक सेकेंड। अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे भी दिख रहे हो आप बहुत डरावने से। अबे सिंचन टेंशन मत ले, डर मत यार, मैं तेरा दोस्त हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया आप दोस्त थोड़ी, आप तो मेरे भाई हो। अरे हाँ हाँ सिंचन मैं तेरा भाई हूँ, देख मैं कितना मस्त लग रहा हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे मत दिखाओ, मुझे डर लग रहा है। हाँ फ्रैंकलिन भैया माफ़ कर दो फ्रैंकलिन भैया, जितनी मैंने गलतियाँ करी आज से आपकी कभी बेइज्जती नहीं करूँगा। अबे चलो कुछ तो फ़ायदा हुआ है सूट का, चलो मैं फटाफट से एनिमी हरा के आता हूँ, जब तक ये बॉब नूबला मुझसे डरता रहेगा। अरे नहीं नहीं मालिक, आप तो मेरे मालिक को ऐसा मत बोलो, मुझे मत डराओ। अरे ठीक है शांत हो जा, एनिमी आ गई, रुक जा उससे लड़ने दे। अरे फ्रैंकलिन भैया ये तो थैनोस का बच्चा लग रहा है। हाय वेनम। अरे मैं वेनम नहीं हूँ, फ्रैंकलिन हूँ। अरे मुझे पता है तू फ्रैंकलिन है, वेनम का सूट चुराने आया है, मेरी गर्दन छोड़ दे, लग रहा है मुझे, प्लीज छोड़ दे। अबे अभी तो बहुत बोल रहा था हाय वाय, अब तेरी गर्दन पकड़ ली तो तू चिल्लाने लगा। अरे अब प्लीज छोड़ दे यार, अब माफ कर दे। अरे ले छोड़ दिया, जा माफ किया। अबे रुक जा मैं बताता हूँ तुझे। अबे तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक जा तुझे बिलबोर्ड में घुसेड़ दूंगा। अरे प्लीज बिलबोर्ड निकाल दे, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। अरे ठीक है तू चला जा अपने घर। गाइस तो मैंने तो फटाफट से इसको हरा दिया, लेकिन तुम लोगों को इसकी रियल पावर दिखाऊं ग्रूट वैनम की, तुम लोगों को भी ये पावर पता नहीं होगी। रुक जा जरा एक सेकंड। अरे प्लेन कहाँ गया, वो देखो गाइस प्लेन जा रहा है ना, इसको अपने पास बुलाऊंगा। अरे फ्रैंकलिन भैया क्यों मजाक कर रही हो, ऐसा थोड़ी कोई कर सकता है। अबे सिंचन रुक जा, देख तुझे दिखाता हूँ मंगा के, ये देख प्लेन मेरे पास आ गया। अरे फ्रैंकलिन भैया ये कौन सी पावर है इसकी। अबे सिंचन यही तो ग्रूट वैनम की पावर है, तुझे पता नहीं था क्या अभी तक। अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे नहीं पता था, चलो जल्दी चले। अबे सिंचन चल तो रहा है, तू तो उतर गया ऊपर से। अरे फ्रैंकलिन भैया लेकिन ऐसे रूप में हम लोग नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, हमें बड़ा डर लग रहा है, प्लीज नॉर्मल रूप में आ जाओ। अरे ठीक है नॉर्मल हो तो रहा हूँ, तुम लोग नीचे तो उतर के आओ। अरे मेरे पास प्लीज मत नाचो, मुझे डर लग रहा है। अरे यार ऐसा थोड़ी होता है बॉब, ऐसे डरता क्यों है। अरे चले जाओ नहीं मैं मूत दूंगा। अरे ठीक है मैं नॉर्मल हो जाता हूँ अब, ठीक है ना, अब तो नहीं लग रहा ना डर। अरे चलो कम से कम पुराना फ्रैंकलिन देख के जिंदगी में पहली बार मुझे खुशी हुई। अरे ठीक है चलो फटाफट से चलते हैं यहाँ से। अरे फ्रैंकलिन भैया लेकिन लास्ट लोकेशन कहाँ है। अबे सिंचन ये लास्ट लोकेशन तो फैक्ट्री के ओर सारा कर रही है, चल फटाफट से वहाँ चलते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया तो गाड़ी उड़ा दो ना। अबे सिंचन उड़ा तो रहा हूँ, रुक जाए सेकंड। अरे फ्रैंकलिन भैया आपने तो सही में स्किप कर दिया यार। अबे सिंचन तो मैं क्या तुझसे मजाक कर रहा था, ये देख अपन फैक्ट्री के पास आ भी गए, चल फटाफट से अंदर चलते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया एक काम करो, एक बार और स्किप कर दो। अबे सिंचन रुक जा तो फिर, एक दो तीन। अरे फ्रैंकलिन भैया नहीं हुआ। अबे सिंचन वो थोड़ा लेट हो जाता है मेरा स्किप, लेकिन हो गया ना अब। अरे फ्रैंकलिन भैया अपन फैक्ट्री के अंदर तक गाड़ी क्यों लेके जा रहे हैं लेकिन। अबे सिंचन क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि पैदल चलना और इतना टाइम वेस्ट हो, अब हमें सिर्फ लास्ट ही सूट तो चाहिए, दो तो हमने कलेक्ट कर ही लिए। आओ फ्रैंकलिन भैया देख के जाना, लास्ट वाला कहीं तुम्हें ही ना मार दे। अबे नहीं वैसे वेनम के सूट उसने वो कर रखे हैं थैनोस ने, उनकी सारी पावर अपने आप से कंट्रोल कर रहा है, तो वो अभी कोई उस पे नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही खड़े हैं। अबे यार बातों के चक्कर में मेरा मूड फूट गया। अरे फ्रैंकलिन भैया तो किसने बोला था इतनी बातें करो। अबे सिंचन मुझे लास्ट सूट भी मिल गया, शांत हो जा तू, अब चलते हैं फटाफट से आतंक मचाने। अरे फ्रैंकलिन भैया इसमें तो तुम और डरावने लग रहे हो, उसके तो चार चार मुंडी हैं। अबे सिंचन ये गॉड वैनम का सूट है, शांत हो जा, चार चार मुंडी नहीं गॉड है, उसकी इज्जत कर नहीं तो गुस्सा हो जाएगा, अभी मुझे ही खा जाएगा अंदर अंदर। अरे फ्रैंकलिन भैया ऐसा भी है क्या। अबे हाँ सिंचन ये सूट अपने आप को खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये वैनम है आदमी के ऊपर चढ़ जाते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया लेकिन थैनोस आ गया तुमसे लड़ने।
तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। मुझे तो तुम जानते ही होगे फ्रैंकलिन। अरे हाँ हाँ, तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तू तो थैनोस नूबड़ा है ना। अरे मुझे नूब बोलते हो, नन्हे बालक, मुझसे डरते नहीं हो क्या? अबे मैं तुझ जैसे छपरियों को दिन में 4 बार मारता हूँ, अभी फिर से तुझे मारूंगा। अरे देखते हैं कौन किसे मारेगा, तुम हम पे थोड़े भारी क्या पड़े। तुम सोचते हो कि हमें हरा लोगे, हमारे पास इन्फिनिटी स्टोन्स हैं। अबे यार तेरे पास सिर्फ इन्फिनिटी स्टोन है, मेरे पास गॉड वेनम की पावर है। मैं गॉड हूँ, मैं खुद में, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे तो देखते हैं कौन जीतता है, गॉड वेनम या थैनोस। अरे हाँ हाँ देख लेते, तेरे पत्थर मारने से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। एक फायदा तो है वेनम का कि कोई किसी भी कितना भी मारता रहे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस नॉइज नहीं आनी चाहिए। अरे थैंक यू, तुमने अपनी कमजोरी बता दी। अबे जब तक तुझे मेरी कमजोरी पता चलेगी तब तक मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अरे लड़के मुझे माफ कर दो मेरी गलतियों के लिए। अबे मैं तुम जैसे लोगों को माफ नहीं करता हूँ, साफ करता हूँ। याद रखना मैं दोबारा लौट के जरूर आऊंगा। अबे यार चलो गाइस, तो थैनोस तो फाइनली हार गया। मैं फटाफट से यहाँ से निकल रहा हूँ, अपनी गाड़ी उठा के ये 300 सूट टोनी को देने है। फ्रैंकलिन में तो जल्दी चलो ना। तो चलो गाइस, मैंने देखो 300 सूट कलेक्ट कर लिए, थैनोस को भी हरा दिया। तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ये वाली वीडियो तुम लोगों को कैसी लग रही है, और वीडियो लाऊं इस पार्ट पे कि नहीं लाऊं, और मेरी गाड़ी भी बताना तुम लोगों को ओजी लग रही है कि नहीं। अरे फ्रैंकलिन भाई अब चलो ना जल्दी। हाँ हाँ तो चलो गाइस मैं तो निकलता हूँ। तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मेरा यूजर नेम यहीं के आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।